नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ सियासी हलचल देखने को मिलती है। आज लोकसभा 35 से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने अपना नामांकन के अंतिम पर्चा दाखिल किया। पहले तो डॉक्टर साहब, आपने नामांकन दाखिल किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सीट से दो प्रत्याशियों ने भरा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन था और पार्टी से मुझे आदेश आया कि मुझे नामांकन भरना है, तो सो मैंने नामांकन किया है। आगे क्या चुनावी रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह हैं जो कि बहुत बड़े कद्दावर एक नेता हैं। देखिए, लड़ाई लड़ने से पहले अगर आप ये सोचेंगे कौन किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल की जो अधिनायकवाद सरकार थी उसके खिलाफ पब्लिक में ज़बरदस्त रोष है और एक अंडरकरंट पूरे देश में पूरब से लेकर पश्चिम से तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चल रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन को वादा 2004 में किया था जब सिलेंडर 400 का था और आज 2024 में वो 1100 का मिल रहा है, लेकिन इनके मुंह से जरा सा भी आवाज़ नहीं निकल रही है। ये हमारी माताओं महिलाओं का दुख है जिसको हमें देखना है। जिस प्रकार से हमारा युवा लगातार बेरोजगार है और वो उसको पता नहीं उसका भविष्य कहाँ जा रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहा है लेकिन एक चुप सौ चुप। जिस प्रकार से लगातार इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेके भारतीय जनता पार्टी में बड़ी हलचल मची हुई है, इन सब का जवाब इस देश की 140 करोड़ की जनता ने मन बनाया है और आगे आने वाली 20 तारीख को लखनऊ की जनता ने मन बनाया है कि हम साइलेंट वोट देंगे और बड़े से बड़े तख्तो ताज को गिराने के लिए हम सक्षम हैं, इसलिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लखनऊ की जनता को क्या लगता है, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप, क्योंकि नामांकन आपने आज पर्चा भर ही दिया है, आप कैंपेन के लिए भी निकलेंगे, किस प्रकार से क्या रणनीति बनाई है कि आम इस बार लखनऊ की जनता को आप प्रभावित कर सकें, किन अहम मुद्दों को उठा सकते हैं? बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीज़ों पे तो इंडिया गठबंधन लगातार बात कर ही रहा है, और भी ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं आपके हिसाब से जिस पर आप आम जनता के बीच में जा करके उनसे चर्चा कर सकते हैं? देखिए, मेरा जन्म इसी लखनऊ की भूमि पे हुआ है और पिछले 45 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कुछ दिन पढ़ाई को बाहर करने के बाद मैं 16 साल से चिकित्सक हूँ और बच्चों का डॉक्टर हूँ। कई परिवारों से मेरे आत्मीय संबंध हैं, हम लोग उसके दुख सुख को जानते हैं और मैं रोज़ लगभग 100 से 200 परिवारों से मिलता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हों या इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हों। एक दुख सबका है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, जनप्रतिनिधि हमारी बात क्यों नहीं करते कि हमारा बेटा कब पढ़ के IIT, IIM या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में कैसे जाएगा, कोई रास्ता सुझाया उसका? यहाँ इस देश की आप हालात देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पर्चे के लिए 60 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरता है। ये बड़ी चुनौती है इस देश की, ये हमारे युवाओं की बड़ी चुनौती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी कोई आम बात है? हर आदमी 30 तारीख के बाद 1 तारीख का ध्यान देखता है कि उसकी सैलरी आए तो अगले महीने में उसका उधार चुका है। क्या हमारी महिलाओं को ये नहीं दिख रहा है वो किस प्रकार से घर चला रही हैं? और भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई इसका मतलब नहीं, बड़े बड़े इलेक्ट्रोल प्लांट से हजारों करोड़ों का जो है वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, आलिशान सुना है 7-स्टार होटल का, और आम जनता जो है रोड पर घूम रही है। ये मुद्दे ही असल में मुद्दे हैं, आम जीवन में कोई अलग चीज़ नहीं होती है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं इन मुद्दों के साथ में जाऊं और मैं लोगों को बताऊं कि आपका समय अब आया है, आपका समय 20 मई को आया है, आपकी उंगली में ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दी है उसमें बटन दबा के आप इसका बदलाव और सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं। साहब, अंतिम सवाल आपसे करेंगे, एक सीट पे दो प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल किया है, कहा जा रहा कयास लगाया जाने कि वैकल्पिक तौर पर भी इसको लिया जा रहा है, तो क्या इसकी, जब पहले चुनावी टिकट दिए जा रहे तो क्या इसकी समीक्षा पार्टी में पहले करी गई थी इस वैकल्पिक तौर पर, या सडनली ऐसे डिसीजन ले लिया गया, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि ये अभी इन अंडर रिव्यू चल रहा है और मुझे 2 दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा। पार्टी बहुत कुछ सोचती है और पार्टी के अपने फैसले, हम पार्टी के सैनिक हैं, उन्होंने हमको आज्ञा दिया, हमने उसका अनुपालन किया। डॉक्टर
वक्त आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने नामांकन किया है, हम चाहेंगे कि आप इस तरह से लोगों की मदद करते ना, आगे जनता का विश्वास जीते रहे। ये थे डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने आज 3 मई को अंतिम दिन जा करके अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बच भी रहे हैं इस बात पर बोलने के, पार्टी के जो कार्यकर्ता से लेकर के पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी तक, कि हो सकता है कि ये वैकल्प के तौर पर 2 नामांकन एक सीट से भरे गए। आने वाले समय में डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा कि आने वाले 2-3 दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की